ये देखो कितना ज़्यादा पानी निकला है इसमें से। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज की वीडियो भी एज यूजुअल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और भाई एक वीडियो मैंने पहले डाली थी बलेनो की, उसका इंजन हाइड्रोलॉक हो गया था। तो अभी आज है 24 सितंबर और चार दिन से यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब रुक ही नहीं रही बारिश। 5 मिनट रुकती है फिर स्टार्ट हो जाती है, मतलब हल्की हल्की तो हमेशा कंटिन्यूस हो रही है। चार दिन से बारिश है ना, एक सेकंड के लिए नहीं रुकी है भाई, हल्की हल्की तो हो ही रही है। और ऐसे में भाई मेरे पास इतनी गाड़ी आ रही है, किसी का बम्पर निकल रहा है, किसी की क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कईयों के तो इंजन सीट तक की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि भाई गाड़ी हाइड्रोलॉक हो गई, पानी में बंद हो गई। तो अभी दिखाता हूँ, मेरे पास आई है हुंडई वरना और डीजल इंजन है और इसका इंजन भी हाइड्रोलॉक हुआ है, पानी में गई। अभी देखते हैं कि कनेक्टिंग रोड वगैरह भी बैंड हुई है या नहीं। और टाइम हो गया है शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो कल वैसे सारी चीज़ें चेक करेंगे, लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार गाड़ी की कंडीशन दिखाऊंगा। जस्ट अभी मेरे पास गाड़ी आई थी और भाई आई होप गाड़ी वैसे ही स्टार्ट हो जाए, इंजेक्टर वगैरह क्लीन करके और इसका सारा पानी वगैरह निकाल के सर्विस वगैरह करके। लेकिन फिर भी भाई अब देखते हैं कि क्या ही प्रॉब्लम हुई है गाड़ी में। तो भाई यहाँ पे अपनी भूसा और क्लासिक खड़ी है, तो भूसा का काम चल ही रहा है और अभी दिखाता हूँ। ये स्कॉर्पियो आई थी अपने पास टर्बो के काम के लिए, लेकिन इसमें क्लच का काम हुआ है और काफ़ी काम हुआ है। तो ये है वो हुंडई वरना और भाई डीजल है ये 1.4 जो i20 में भी इंजन आता है। और इसमें देखो अभी भी क्या कंडीशन है, कल रात को ये गाड़ी पानी में गई है। ये इसका मास एयर फ्लो सेंसर है, तो ये तक इतनी गंदी कंडीशन में है। तो ये देख सकते हो भाई क्या हालत हुई है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश लाइट ऑन करके, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपके पास भी हुंडई की कोई भी गाड़ी है, i20 है, वरना है, क्रेटा या कोई भी है, तो देखो इंजन वगैरह ना, जो इनकी जो इंजन का डिज़ाइन होता है, सारी चीज़ें वो सेम होती है। मतलब i20 में भी सेम इंजन है, क्रेटा का 1.6 भी सेम है, इसका 1.6 जो वरना का आता है वो भी सेम है, 1.5 भी सेम है, मतलब सेम उस पर ही सेगमेंट पे बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है, वरना है, i20 है या कोई भी है, तो जैसे अपना एयर फिल्टर यहाँ पे लगा होता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसके बाद एयर फिल्टर का जो आगे का पाइप होता है जहाँ से एयर इनटेक बोला जाता है, वो पहले नीचे जाता है और नीचे से देखो वो रहा, वहाँ से वापस ऊपर होके यहाँ पे लगता है वो, तो बीच का पाइप गायब है इसका। ये देख सकते हो बीच वाला इसका पाइप गायब है और उसी की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई। अगर यहाँ पे होता तो गाड़ी जब तक आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं डूबेगी तब तक तो गाड़ी का इंजन हाइड्रोलॉक नहीं होगा। लेकिन वो नीचे से पाइप निकला हुआ तो यहाँ तक भी पानी आएगा, तो वो इंजन में पानी जाएगा और कल गाड़ी में पानी आ गया इतना और गाड़ी चलते चलते होगी बंद। तो गाड़ी ने पूरा पानी सोख लिया, यहाँ से हमने चेक किया, उसके बाद हमने स्टार्ट करने की नहीं ट्राई करी। वो एक मैकेनिक के पास भी ले गए थे अपने भाई, उन्होंने चेक करवाया कि कहीं स्टार्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया कि नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा, आप कहीं पे करा लेना। तो वो बस यही सोच रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो भाई, जैसे ही एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर तो फेंक ही दिया उन्होंने, एयर फिल्टर में पानी आया, उसके बाद टर्बो ने यहाँ से पानी खींचा, उसके बाद नीचे से वो होस वो दिख रहा होगा वहाँ से आते हुए, जो ये इसका इंटरकूलर है, इंटरकूलर में भाई पानी भर गया होगा पूरा और इंटरकूलर से एयर इंटेक मैनिफोल्ड में भर गया, उसके बाद पिस्टन पे गया। अभी देखेंगे भाई, हमने डाल दिया इसमें ब्रेक ऑयल, सुबह सबसे पहले क्या करेंगे इसका जो इंजन ऑयल है वो निकालेंगे और उसके बाद इसके इंजेक्टर वगैरह निकलवाऊंगा मैं। सारा पानी निकालने के बाद पहले इसमें पुराना ऑयल डालूंगा कोई साफ सा, और पुराना ऑयल डालने के बाद इसका जो इंजेक्टर निकाल के कल आपको दिखाई दूंगा, हम एक बार सेल वगैरह मारेंगे। उसके बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट तो देखो हो ही जाएगी, लेकिन अगर कनेक्टिंग रोड बैंड हुई तो इसका इंजन खुलेगा अब। और ये देखो छोटी सी गलती की वजह से इसका इंजन खुल रहा है, अगर वो पाइप ऊपर लगा होता तो भाई शायद इसका इंजन नहीं खुलता, शायद क्या खुलता ही नहीं। तो अभी ये छोटी सी गलती है इसमें भाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आपकी गाड़ी में है इस बारिश के मौसम में, तो गैस अपनी गाड़ी को पानी में मत लेके जाना और ये पाइप ज़रूर लगवा लेना। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट आपसे कल, कल आपको दिखाऊंगा और कल इसका इंजन वगैरह खुलवाएंगे एक बार, सबसे पहले इसका इंजन ऑयल वगैरह निकलवाएंगे, जो भी काम होगा वो आपको दिखा दूंगा। भाई आज है नेक्स्ट डे और शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं और अपने कप्तान भाई यहाँ पे भाई बम्पर वगैरह मैच कर रहे हैं, तो इसमें बम्पर वगैरह चेंज होना है और भी काम होना है। और आज मैं आपको एक काम बताऊँगा भाई, ये देखो वैसे 6 बजने वाले, स्कोडा हो गई थी रेडी, फिर एक एक्सयूवी आ गई एक्सीडेंटल, और फिर उसके बाद आज स्कॉर्पियो देनी है, फिर जो ये वरना है, ये आज मतलब शाम होगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं लगा किस गाड़ी में भी काम करवाया आज। तो आज इसका जो इंजन है आज उसको टेस्ट करके ही जाएंगे, आज देखेंगे कि भाई ये इंजन सक्सेस हो पाएगा या नहीं। तो शाहबाज अभी इसका ये जो इंजेक्टर है वो खोल रहा है, कल मैंने इनमें ब्रेक ऑयल वगैरह डलवा दिया था, तो आज एक बार चेक करेंगे, निकाल के इनको फिर सेल्फ वगैरह मारेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से इनको लगा के एक बार चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। अगर होगी तो बहुत बढ़िया बात है, वरना फिर भाई इंजन का ही काम होगा। तो शाहबाज वहाँ से मत खोल भाई, यहाँ से खोल ले। तो भाई फाइनली इंजेक्टर वापस फिट कर दिए हैं, यहाँ से रेलवे से भी टाइट कर दिए हैं। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है।
ये है भाई डेल्फी इंजेक्टर्स, और एक आते हैं बोस के इंजेक्टर। और डेल्फी इंजेक्टर में गलती से भी आप ये वापस कपलर लगा के और स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि ये इंजेक्टर हो जाते हैं लॉक, फिर वापस से मशीन पे जाएंगे, अनलॉक होंगे और उसके बाद से ये स्टार्ट हो पाएंगे। तो अभी इनको लॉक नहीं होने दिया जाए, उसका एक तरीका है, इसमें कपलर नहीं लगाना और ऐसे ही एयर ब्लीड करनी है इसकी डीजल की, उसके बाद गाड़ी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और देखते भाई गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं, एक बार इसकी एयर ब्लीड करवाते हैं। चल भाई कप्तान सेल्फ मारेगा नॉर्मली ऐसे, तो इनमें से डीजल आ जाएगा भाई। चलो मार, ये देखो मारो मारो मारो, ये आने लग गया, रुक जा। अब एक बार इनको टाइट कर देते हैं सही तरीके से, और उसके बाद एक एक की एयर निकाली जाएगी। इनको सभी को टाइट कर देना है, फिर जैसे ही वो सेल्फ मारेंगे एक एक करके चारों इंजेक्टर ब्लीड करे जाएंगे। और जैसे ही गाड़ी एक बार अगर गलती से बोलो वैसे स्टार्ट होगी ना, तो उसके बाद गलती से आप भाई इसका जो एक्सेलेटर पैडल है उसको मत छोड़ना, 2500 RPM पे रखना, और उसके बाद इनकी जो एयर है वो निकल जाएगी। और अगर वापस बंद कर दी तो लॉक है, तो बहुत मतलब सेंसिटिव होते ही ये वाले इंजेक्टर, बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो एक बार टाइट कर देता हूँ और ऐसे करके एक एक करके मैं इनकी एयर ब्लीड करूँगा। दिखा देता हूँ आपको, 18 नंबर की ये चाबी लगेगी। सेल्फ मार भाई, मारता रहियो जब तक मैं कहूँ नहीं। रुको दोबारा करो, मारो रुक जाओ, इसकी तो एयर हो गई ब्लीड, अब दूसरे वाले की। चल कप्तान देखा, रुक जाओ, चलो 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 एक बार और बस, चलो रुक जाओ, चलो बस। अब इनको प्रॉपर से टाइट कर देता हूँ मैं। अब एक एक करके कपलर लगाते हैं और अपने हनुमान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो ये है इसका कपलर, इसमें देखो खाल आ गई मेरी, गलती से आ जाता भाई ऐसे ही। बंद कर दे बिल्कुल, चल भाई कप्तान कर स्टार्ट, रेस दे के रखना, रेस दे के रख, रेस दे के रख। और बंद कर, एक मिनट रुक, स्टार्ट रख, स्टार्ट रख, कोई दिक्कत नहीं है, देखा कितना ज़्यादा पानी आ गया। हाँ हाँ, कपड़ा ले गया जल्दी, धोती ले गया, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये गलती से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि यही कनेक्टिंग रोड बैंड कर देगा। रुक जा अभी, तो भाई फाइनली गाड़ी बिल्कुल ओके है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस हमें क्या करना है कि एक बार आपको साउंड सुना रहा था मैं, अब कल इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज होएगा, एक बार मैं बंद कर देता हूँ। अभी मैंने लिफ्ट पे लगाई है बस स्टार्ट करके, और बिल्कुल हाफ सेल्फ में इंजन स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो इंटरकूलर है उसमें कितना पानी भरा होगा, इस वाले में तो हद से ज़्यादा इसका जो इंटरकूलर है उसमें पानी भरा हुआ है। उसके बाद जो ये इंटेक मैनिफोल्ड है इसको खोल के पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। अभी मेरी उंगलियाँ देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो ये इस वजह से हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको पूरा क्लीन करेंगे,
और अब मतलब जो मेंटेनेंस है 90,000 किलोमीटर के अप्रोक्स गाड़ी चलने वाली है तो वो प्रॉपर तरीके से कर ही देंगे। इसका EGR है वो क्लीन कर देंगे, इसके नीचे इसको क्लीन कर देंगे, इसकी पूरी लाइन्स है वो क्लीन कर देंगे, ये जो मास एयर फ्लो सेंसर है इसको क्लीन करेंगे, इंटरकूलर वगैरह क्लीन करेंगे। एंड गाइज अगर यही गाड़ी अगर किसी वैसे मैकेनिक के हाथ में चली जाती तो भाई कम से कम भी 30-40 हज़ार का बिल तो वो बनाता ही बनाता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन हमने भाई पूरे A to Z मतलब जो स्टेप लिए हैं वो भाई गाड़ी की सेफ्टी को देखते हुए लिए हैं, क्योंकि अगर हम वैसे स्टार्ट करने की ट्राई करते जो इसमें से पानी निकाला है तो भाई इसकी कनेक्टिंग रोड 100% बैंड होनी थी, और उसके बाद फिर भाई पैसा कौन लगाएगा, वो लगेगा जो कस्टमर होता है उसका। तो इस वजह से हमने कस्टमर के पूरे 60-70 हज़ार रुपये बचा दिए, क्योंकि अगर इंजन खोलता तो भाई 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ऊपर ही पैसा लगता है, और कोई गलत मैकेनिक होता तो भाई टर्बो का भी काम बता देता, पता नहीं क्या क्या काम बता सकता था। अभी सिर्फ इसमें जो कॉस्ट आएगी ना वो 10-15 हज़ार के बीच में आएगी, क्योंकि सारे फ्लूड वगैरह चेंज करूँगा मैं, और EGR वगैरह क्लीन करूँगा, इंटरकूलर क्लीन करूँगा, और ये जो इसका मैनिफोल्ड है इनको क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कूलेंट वगैरह सब चेंज होएगा। तो उसके बाद क्या, कूलेंट तो इसलिए चेंज होगा क्योंकि EGR वगैरह खुलेगा तो मैं फ्लश करवा दूंगा, और एक इसके जो रेडिएटर की मोटर है अभी आपको नहीं दिख रही होगी, मैं कल दिखा दूंगा, तो रेडिएटर की जो का जो फैन है उसकी मोटर खराब हो चुकी है, तो उसकी वजह से गाड़ी एक दिन हीट भी हुई थी, कस्टमर ने बताया था, तो हम रिस्क वगैरह नहीं लगेंगे, एक ये पाइप लगाएंगे जिसकी वजह से अब की बार गलती हुई है। तो आगे से कल मिलते हैं आपसे आगे से, मतलब ताकि कस्टमर वगैरह को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इस गाड़ी की जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि अगर आप भी कहीं पे मतलब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो आप कहीं ऐसी जगह ना फंसो जो कि आपका नुकसान मोटा हो जाए। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कल। तो भाई आज है नेक्स्ट डे और हमने इसका जो बम्पर वगैरह खुलवा दिया था, और ये देखो भाई इंटरकूलर से कितना पानी निकला है, ये सारा इंटरकूलर में से पानी निकला है, और ये देखो ये जितने भी टर्बो के पाइप वगैरह सबको खोल के क्लीन किया जाएगा, इसका EGR वगैरह क्लीन होएगा, इनटेक मैनिफोल्ड क्लीन होएगा, उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह सारी कंप्लीट होएगी। जो इसका इंटरकूलर है ये देख सकते हो, इसमें पानी भरा हुआ था भाई, और ये देखो इसके अंदर से अभी भी हल्का हल्का निकल रहा है, ये देखो ये जो पानी निकला है ये इसके अंदर ही भरा हुआ था। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि गाड़ी बच गई, और अभी पूरी सर्विस वगैरह करवाएंगे, और क्या कॉस्ट आएगी इसकी वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई ये देखो इनटेक मैनिफोल्ड क्लीन कर दिया भाई, ये देख सकते हो भाई पूरा प्रॉपर क्लीन हो गया, और डीजल से अभी ये देखो इंटरकूलर को क्लीन कर रहे हैं, तो इसमें से इतना ये निकला है डस्ट, और वो देखो EGR वगैरह क्लीन हो गया। तो अब उसके बाद क्या है कि भाई इसको प्रॉपर पानी से वॉश करके फिर इसको एयर प्रेशर से क्लीन करके जब वापस लगाएंगे और गाड़ी की सर्विस कर देंगे तो गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल रेडी, और हल्का हल्का जो स्मोक दे रही थी पहले ये गाड़ी मेरे पास एक काम होने के लिए आई थी। एक इसका एडजस्टर बैरिंग डलेगा तो एडजस्टर बैरिंग लेके आएंगे, एंड उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह होके कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी अपनी, तो शाम तक होएगी, और लगने के बाद एक बार टेस्ट ड्राइव पर मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैं चला गया था एक बार गुड़गांव, और भाई गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, सर्विस वगैरह सब डन हो गया है। अब आते ही मैंने बस इंजन ऑयल पूरा किया था, और इंजन ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसमें 5W30 टोटल का यूज़ कर रहे हैं, और जो इंजन ऑयल कैपेसिटी है वो है हुंडई वर्ना की, हुंडई क्रेटा की N i20 डीजल की 5.3 लीटर्स, और बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं और एक बार आपको आवाज़ सुना देता हूँ भाई गाड़ी कैसी है, और मैं इसको अभी घर लेके जाऊँगा क्योंकि टेस्ट ड्राइव मेरे को लेनी है, कल मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि कल मेरे को जाना है एक बार दिल्ली, तो आज एक बार मैं स्टार्ट करके देखता हूँ इसको। ये देखो भाई बिल्कुल साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी लेके जाएंगे इसको रोड टेस्ट वगैरह करेंगे तब आपको दिखाता हूँ, फिर इसका बिल बताऊंगा मैं आपको चलते टाइम। गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है, और अगर यही इंजन अगर एक दो बार और सेल्फ मार देते तो भाई 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आता, खर्चा छोड़ो इंजन भाई पूरा खुल जाता, और अभी देख लो सेम इंजन सेफ है। तो अभी इसका बोनट वगैरह बंद करते हैं और घर लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बिल वगैरह बताऊंगा। तो भाई निकल रहे हैं वर्कशॉप से, 9:30 से भी ऊपर टाइम हो गया, और गाड़ी अब बिल्कुल ओके है अपनी, बस एक टेंशनर बैरिंग इसका चेंज करना है जो कि पहले से ही फॉल्टी था, और अभी एक बार आपको दिखा भी देता हूं, और गाड़ी का जो बिल बना है वो मैं एक बार आपको बता ही देता हूं क्योंकि काफ़ी भाई लोग वेट कर रहे होंगे। तो गाड़ी का बिल बन गया भाई 16,000 रुपये का, जिसमें कि इसकी कंप्लीट सर्विस हुई है, और इसके साथ इसका रेडिएटर फैन भी चेंज हुआ है, और उसी के साथ इसमें जो EGR वगैरह है, इनटेक मैनिफोल्ड है, सब क्लीन हुए हैं, इसमें कंप्लीट अपनी लेबर भी आ गई और सारा काम भी हो गया। तो 16,000 रुपये का इसका बिल बना है, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर, तो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इसको खींच के प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, मैंने चला ली अभी ये, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी चलाई है मैंने। तो इसका यहाँ पे बटन है, तो इसकी ट्रिप 25 किलोमीटर चल चुकी है ये, अभी हम कहीं पे गए थे तो मैंने सोचा कि एक बार गाड़ी को चला के भी देख लेते हैं, तो भाई 25 किलोमीटर अगर चला चुके हैं तो इंजन में देख सकते हो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और पूरा पिकअप है गाड़ी में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक आधा जो टर्बो है
टर्बो में हल्की सी आवाज़ है, नॉइज़ है, वो एक बार सुबह चेक करवा लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है टर्बो में पहले से नॉइज़ हो, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 किलोमीटर में अभी तक ना तो गाड़ी में कोई मिसिंग है, ना कोई हंटिंग है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो भाई 16,000 का बिल भी इसलिए बना के क्योंकि इसका रेडिएटर का फ़ैन भी चेंज हुआ है, और उसी के साथ इसमें मतलब कंप्लीट सर्विस के साथ जो हमने चार्ज वगैरह लिया है, जैसे कि भाई इंजन हाइड्रोलॉक हो जाता है अगर आप अकेले इसको, हाइड्रोलॉक के बाद भी अगर आप इसको हुंडई के शोरूम में लेके जाते तो वहीं पे 10,000 से 15,000 का बिल बन जाता, लेकिन फिर भी कंप्लीट सर्विस के साथ ये बिल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अकेला जो इसका सर्विस का चार्ज हो जाता है वो 6,000-7,000 रुपये हो जाता है, और उसी के साथ इसका जो EGR क्लीन होता है वो भी 2,500-3,000 रुपये ले लेते, 1,500-2,000 जो भी है। तो बाकी जो है कि 2,000-3,000 रुपये तो देखो भाई एक्स्ट्रा बनेगा ही नॉर्मल सर्विस से, क्योंकि हाइड्रोलॉक इंजन था, पूरा खोल के क्लीन किया है, पूरा मतलब रिस्क वगैरह जो था वो भी देखा है, पूरे इंजेक्टर निकले थे और सारा काम आपने देख लिया। तो गाइस इस वीडियो में था इतना ही, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि कल को अगर आपकी गाड़ी पानी में चली जाए तो गलती से भी आप गाड़ी को स्टार्ट मत करना, स्टार्ट करने की ट्राई भी मत करना उसको, बस सीधा टो करो और कोई ऐसे वर्कशॉप में लेके जाओ या तो ऑथोराइज वर्कशॉप में जहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, या फिर ऐसे किसी मैकेनिक के पास जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अदरवाइज भाई इंजन का रिस्क सारा मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वैसे ही भाई इंजन की ऐसी तैसी कर देगा। तो मैं सभी मैकेनिक भाइयों को नहीं बोल रहा, एक आधा हो जाता है, आपको भी पता यार। तो काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे से भी अच्छे हैं और उनको पूरी नॉलेज है, लेकिन भाई देखो इंजन हमने बचा लिया, हम यही सोच रहे थे कि कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी का इंजन हमें करना पड़ता तो 60,000-70,000 रुपये का खर्चा आ सकता था। इस वजह से हम भाई सोच रहे थे कि ये इंजन शायद सक्सेस हो जाए, तो अभी चलते घर मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक बार और मैं भाई सेटिस्फाई हो जाऊँ कि गाड़ी ओके है, सुबह डिलीवर कर देंगे वॉश वगैरह करवा के। तो इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब।